इस वक्त खड़े हैं हम दानापुर के नासरीगंज वार्ड नंबर 33 में, और यहाँ की जो हालात है हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कचरे का अंबार लगा हुआ है। खासकर ये रईसी एरिया माना जाता है, वार्ड नंबर 33 है, ये नगर परिषद का एरिया है। चारों तरफ इस एरिया में आबादी बसी हुई है, उसके बाद भी नगर परिषद और छावनी परिषद के द्वारा किस तरह कचरा यहाँ फेंका जाता है, जिससे लोग परेशान है, बेहाल है, कई घर बीमारी का शिकार हो चुका है। तंग आकर लोगों ने आज एक निर्णय किया है कि हम अनशन करेंगे और धरना पर जाएंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या वजह रही और क्यों इस तरह लोग निर्णय ले रहे हैं। सर, क्या कष्ट होती है, क्या परेशानियां होती है आपको? बहुत ज्यादा कष्ट है सर, कष्ट इतना है कि यहाँ के जनता को राह चलना मुश्किल है। इतना बदबू है, इतना बीमारी का इलाज है, जितना भी नासरीगंज दानापुर पूरा क्षेत्र का गाय भैंस कुत्ता जानवर जो भी मरता है सबको ला करके यही डाला जाता है। और भी कई लोग हैं, आपको क्या परेशानी होती है, क्या कष्ट होता है? यहाँ इस पूरे के अंबार से पूरे इस बोलनी के लोगों को जरियाती इलाका है, सभी लोगों को काफी कठिनाई है। इतना दुर्गंध आता है, जैसा कि उन्होंने बताया, जो मरा हुआ कुत्ता और कचरा यहाँ भर दिया जाता है और यहाँ के लोगों को नाना प्रकार की बीमारियाँ होती है। इसलिए इन लोगों ने, कोने के लोगों ने और सारे लोगों ने, तो आप भी और कई लोग हैं, आप बताइए क्या परेशानी होता है, शिकायत इसकी किए हैं आप? शिकायत हम लोग ने मुख्यमंत्री के पास किया है, उसके बाद SDO के पास किया है, नगर परिषद में किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इस मोहल्ले में बहुत ऐसे घर हैं कि जिनके यहाँ चिकन निमोनिया, उसके बाद डेंगू मलेरिया इस टाइप का बीमारियों से ग्रसित है लोग, और दमा की बीमारी से ग्रसित है। आप खुद अभी देख रहे हैं कि इतनी मक्खियाँ सारी चल रही है, हम लोग यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, गंध के कारण हम लोग कुछ यहाँ उठी नहीं कर सकते। और जिन लोग, आप बताइए क्या करेंगे इसके बाद, अगर ये नहीं होता तो क्या करेंगे? इसके बाद तो हम लोग रोड जाम करेंगे, SDO का घेराव करेंगे, DM का घेराव करेंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ चारों तरफ मोहल्ला बसा हुआ है, बीच में डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, कहने पर कहते हैं कि हमारा ये जमीन है और हम कहाँ डंप करें कचरा को। और यहाँ चारों तरफ से लोग बसे हुए हैं, सब लोगों को गंदगी से, कचरा से बीमारी फैल रहा है। हर घर में किसी के यहाँ चिकन गुनिया है, किसी के यहाँ डेंगू है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है। बिल्कुल सही बात है, इन लोगों का, जब ये लोग शहर की ओर आए थे देहात से, तो इन्हें ये जमीन में पार्क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब बसते ही इन्हें कचरा का नजारा देखना पड़ रहा है और डॉक्टर के यहाँ अपने फैमिली को पहुँचाना पड़ रहा है। जी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान।